ऑल राइट गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक हो गया आप लोगों का फिर से पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 के एपिसोड नंबर 3 में। जहां तक कि तुम लोगों को मालूम होगा कि पिछले एपिसोड में हम होम स्वीट होम के अंदर चले गए थे और हमें उसकी की भी मिल गई थी, लेकिन उस घर में जाने के बाद अपने साथ ऐसी ऐसी चीज हुई कि भाई बोलने लायक ही नहीं है। अपना पीछा कर रहा था कैटनैप, मतलब कैटनैप यही वो विलेन है इस गेम के अंदर, रियल विलेन होने वाला है। और बाकी हम एक ऐसे कमरे के अंदर गए थे जिसमें एक टीवी रखी थी, टीवी चलती रही, लेकिन उसमें से हग्गी बग्गी बाहर आ गया और उसने हमें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। चलो अब देखते हैं हम उस कमरे से कैसे बाहर निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें हग्गी बग्गी ने इस वाले कमरे के अंदर बंद कर दिया था और ये कमरा भाई शायद कहीं ना कहीं से तो खुलता होगा। देखते हैं, चलो आगे सामने गेट है, शायद यही ओपन हो जाए। ओके लेट्स गो, ये वाला गेट ओपन हो गया है और अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन है। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। और इधर देखो, इधर मेरे को ब्लू वाला हाथ तो अंदर घुसेगा नहीं वैसे। यहाँ पर थोड़े इनके बॉक्स वगैरह पड़े हैं, बाकी खेलने कूदने का सामान है बच्चों का। यहाँ पर फिर से हग्गी बग्गी और एक और है ये मम्मी लॉन्ग लेग्स, दोनों पड़े हुए हैं। नाम तो इसका ऐसा है कि पॉपी प्ले टाइम, जो लगता हो कि बच्चों वाला हॉरर गेम प्ले हो। और मैं इसी कमरे से आया हूँ क्या? नहीं, मैं इस कमरे से नहीं आया। तो यहाँ पर रास्ता है, ये गेट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वेट, ये वाला गेट लॉक है। और भाई एक तो इतना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक के वायर्स जा रहे हैं। ओ ये कौन है? ये एक और मम्मी लॉन्ग लेग्स है क्या? नहीं, डैडी लॉन्ग लेग्स। भाई अब ये भी आएगा क्या? पता नहीं यार, कितने कितने तो इसके अंदर टॉयज़ हैं। और मैं बता दूँ, इन टॉयज़ों के अंदर शायद यहाँ पर जितने भी बच्चे काम कर मतलब खेलने आते थे, शायद उनकी आत्मा है, मतलब उनकी सोल है इन टॉयज़ों के अंदर। और लेकिन यार भाई कुछ करना क्या है यहाँ पर? हम फंस तो गए हैं, उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रिक, वेट ये तो मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर एक जगह टूटी फूटी पड़ी है, इसके नीचे चलते हैं। और यहाँ पर एक F1 रेसिंग टॉय कार रखी हुई है, लेकिन इसका हम कर ही क्या सकते हैं भाई। आगे रास्ता है जो कि ऑब्वियसली भाई टूटा टाटा पड़ा है, लेकिन उधर जा नहीं सकते, चीज़ है। लेकिन ओ वेट 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 भाई, ये क्या हो रहा है उधर जाकर? मुझे पता नहीं, एकदम से वहाँ पर शायद कोई गैस वगैरह है। ये देखो इधर गैस फैली हुई है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा डैमेज पहुँच रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। ये गेम काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है, लेकिन ये इससे क्यों चिपक गया है? ओ वेट, मुझे लगता है ये शायद रास्ता तोड़ देगी ऐसे करके। ओके ये काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार, मज़े आ गए इसमें। लेकिन यहाँ पर गैस है यार, मैं गैस के अंदर कैसे जाऊँ? भाई ये कहाँ पर चिपक गया फिर से? अपने पास एक और चीज़ मिल चुकी है, गैस मास्क। ओह लेट्स गो, मैं तो यार ऐसी टच कर देख रहा था, मैंने कि यार शायद ऊपर हम कुछ भूल रहे हों, या तो मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन यहीं पर ही गैस मास्क अटका हुआ था और वो आ चुका अपने पास। और यहाँ पर, और यहाँ पर F1 रेसिंग कार के अंदर हमने चाबी भर दी। चाबी भरने के बाद ये रास्ता ओपन तो नहीं हुआ, लेकिन भाई वेट, अच्छा यहाँ पर ये रहा रास्ता। अब मुझे फिर से इधर जाना पड़ेगा क्या? लेकिन कुछ तो है नहीं इधर, ऊपर कैसे जाएंगे हम? कुछ जंप करने का ऑप्शन हो इधर? ओ वेट, इधर जंप करने का ऑप्शन है ना। इधर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इधर भी थोड़ा टूटा है, मेरे को ढंग से जाना पड़ेगा। ये वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग एरिया आ गया है क्या? शायद ये यहाँ का वॉशिंग एरिया हो और यहाँ पर सबके कपड़े धुलते हो, लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी किसी और एरिया में। भाई इस घर के अंदर सच में बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये फ्लैश लाइट अगर हमारे पास ना होती ना, तो भाई कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे यहाँ पर अभी मास्क का कोई काम नहीं है, तो मैं मास्क उतार ही देता हूँ। इधर कुछ रास्ता है, मैं इधर से जा सकता हूँ शायद, जंप कर ले भाई। अरे भाई मेरे को ये खींचना है, मैं तब से कहूँ कि ये भाई इधर अड़ा क्यों हुआ है, लेकिन मैं इसको खींच सकता हूँ ना। और यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी तो ये रहा, ये इसको लटका रखा भाई, ऐसे लगा दिया, इनको फांसी दे रखी है भाई, टॉयज़ों को भी ऐसे फांसी दे रखी है। लेकिन यहाँ पर इसको मैं हटा सकता हूँ? नहीं, इधर से मेरे को क्राउच होकर जाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, नीचे चलते क्राउच होकर। अबे भाई किसने पकड़ लिया मेरे को? तू इधर आ भाई,
तेरे को पकड़ के मैं इधर रखूँ। हाँ इधर इधर से रख जा बस। अब मेरे को जाने दो उधर। चलो मैं इधर आ चुका हूँ, हैंड लगाते हैं अपना इधर। बाकी ये गेट ओपन हो जाएगा भाई, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ा है इसके लिए। चलो अब यहाँ पर फिर से उधर कुछ तो चल। अच्छा वो वही वायर है, मुझे लगा भाई कोई तो है उधर। ये गेट ओपन फिर से। इधर से क्राउच होकर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक कैसेट पड़ी हुई है, मैं उसको यहाँ पर लगा सकता हूँ। चलो सब्जेक्ट इज स्टेबल डेजिग्नेटेड 1322 क्लियर न्यूरल एबनॉर्मैलिटीज वर डिटेक्टेड इन हिज रीसेंट चेकअप। मैं देख लेता हूँ भाई कोई पीछे तो नहीं है ना। मैं देख लेता हूँ, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। ऐसे गेमों को अगर खेलो तो ऐसा लगता है कि कोई अपने पीछे ही खड़ा है। चलो भाई इसकी बोलती बंद। और इधर कुछ नहीं है। चलो चलते हैं इधर, लगा के देखिए क्या, कुछ नहीं होगा इधर। इधर ये गेट ओपन हो जाता है, बाकी इधर फिर से बंद है कुछ। बाकी एक और गेट है यहाँ पर। वो कोई चल के आ रहा है क्या भाई? कोई तो चल रहा था अभी, कैटनैप यहीं से ही भाई गुजरा था अभी। वेट, यहाँ पर सामने की तरफ रास्ता है ना यार, ये रास्ता क्यों नहीं दिखाई देता एक तो मेरे को यार भाई, बहुत ही ज़्यादा। ओ ओ ओ ओ, ओ यहाँ पर कितने सारे टॉयज़ लटका रखे हैं। और ये कैटनैप भाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये देखो हर जगह ऐसे ऐसे हिंट दे रखी हैं, पता नहीं इधर कलाकारी इधर कलाकारी। ओ भाई ये कुछ अलग ही गेम है यार, ये वाला इनने कुछ अलग बना दिया है। ओ लेट्स गो, हम दूसरे रास्ते पे आ चुके हैं। अब मेरे को इधर ये बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। लेकिन भाई लग जा, एक और बैटरी कहाँ मिलेगी अपने को? मुझे या तो यहाँ पर लगाना था इसको, या फिर एक और चाहिए मेरे को। यहाँ पर तो है नहीं है कुछ, लेकिन आगे चलते हैं। चलो शायद आगे कुछ हो। इधर एक गेट है, इसको ओपन करते हैं। शायद इसके अंदर रखा हो, कोई वो चीज़ नहीं रखी है। ओ यहाँ पर इन बॉक्स भी तो रखे हैं, मैं इनको उठा सकता हूँ क्या? इनको तो नहीं उठा पा रहा मैं। लेकिन यहाँ पर एक गेट है, इसको ओपन करते हैं। चलो इधर कुछ है क्या? कुछ नहीं है भाई। ओ वेट, ये वही हग्गी बग्गी है पिंक वाली, मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये भाई किसी की तो फोटो देख रही है, ये वही लड़की है। ये कुछ कर क्यों नहीं रही है अपने को? या तो ये देख नहीं पा रही, या फिर कुछ तो है भाई, मुझे नहीं पता। अब डरावनी तो नहीं लग रही है यार ये, लेकिन ऐसा लग रहा है। ये देखो सामने देखो, मैं इसको टच भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो है नहीं रहा इसको। ओके ओके भाई मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये जो लड़की है इसकी आत्मा इस टॉय के अंदर है, शायद ऐसा हो सकता है। कैटनैप बाहर ही डोल रहा है और अपने को बैटरी मिली नहीं है अभी तक। सामने रास्ता अभी भी ओपन नहीं हुआ है। और देखो यहाँ पर किसी का ब्लड भी है, ये तो टॉय है यार। ऊपर कहीं पे रास्ता हो, वेट ऊपर रास्ता है भाई, सब चीज़ देख देख कर करना पड़ेगा। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो है। इधर शायद अपने को बैटरी वगैरह मिल जाए। लेट्स गो, बैटरी मिल चुकी है अपने को। चल बेला बैटरी दे दे मेरे को। ओ मैंने कुछ नहीं गिराया भाई, मैंने कुछ भी नहीं गिराया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आवाज़ हो गई है, तो शायद कैटनैप इधर आ जाए और हम यहाँ से निकलते हैं। और निकलते हैं, अपने को लगाना कहाँ था वो? भाई भाई मैं तो रास्ता ही भूल गया। इस वाले में नहीं था, इस वाले में हाँ ये रहा। यहाँ पर लगाते हैं। वेट यार ये नीचे गिर जाती है बार बार। चलो यहाँ पर लगा। भाई इतना आवाज़ क्यों कर रही है तू? गेट लगा दो भाई, इसको दबाता हूँ मैं। ओके अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है, तो मुझे फिर से वहीं पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन जाने का रास्ता कहाँ था, मैं तो भूल ही गया। ओ एक और रास्ता ओपन हो चुका है। चलो चलो इधर चलते हैं। इतनी चिंदी चोरी करवाने का क्या ही फ़ायदा जब दूसरा रास्ता ओपन होना था। शायद ये उसी से ही रास्ता ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक और कार होती है, इसमें चाबी भरते हैं और 1 2 3 लेट्स गो। ओके देखो इसके लिए बनाया क्या रखा था, ये जंप करने के लिए बना रखा था। यहाँ पर ये किसने रखा है? ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। ओ अभी किसी की हंसने की आवाज़ आई है बहुत तेज़। मैं ऊपर वाली रास्ते पे आ चुका हूँ, यहाँ पर ये रही छत और ये रहा रास्ता नीचे, नीचे जा रहा है। अब मैं ऊपर तो आ गया हूँ, लेकिन इधर कुछ नहीं है। ये गेट ओपन नहीं हो सकते भाई, ये पता नहीं आधे आधे गेट से हैं या ऐसे ही खिड़की है। खिड़की है
ओ एक और ये रहा रास्ता, ये शायद पिंक वाली हग्गी बग्गी का है, ये ब्लू वाले हग्गी बग्गी का है, और ये किसका है? ये कैटनैप का है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये लाइट मैंने इधर से ली, लेकिन मुझे लगानी किधर है ये? शायद आगे की तरफ कोई रास्ता हो। गेट तो है एक, लेकिन मैं इसको खोल नहीं सकता। एक और बच्ची का फोटो। ओके ऊपर है शायद, कुछ ऊपर है। मैं इधर से पावर लेता हूँ और इधर लगा देता हूँ। चलो गेट ओपन हुआ ये, और मैं फिर से बच्चों वाले एरिया में आ चुका हूँ। एक और है इधर, इधर से मैं ले सकता हूँ पावर और इधर लगा सकता हूँ। ओ लेट्स गो भाई, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ रहा है इसके लिए, लेकिन रास्ता कहाँ ओपन हुआ है। चलो दोबारा से लेते हैं जल्दी और इसमें लगा देते हैं। ओ गेट ओपन, ये रहा ये रहा ये रहा, लेट्स गो। मैं घुस गया, अब घुस तो गया हूँ मैं यहाँ पर। फिर से बच्चों का, लेकिन इसमें टॉयज रखे हुए हैं। एक और है ऊपर, लेकिन अब मेरे को पावर किधर से मिलेगी? अच्छा वो रहा, मेरे को चढ़ना पड़ेगा क्या इसके ऊपर? चलो ये आया, मैं लगा देता हूँ इधर। अब कौन सा गेट ओपन हुआ है? ये हुआ है क्या? ठीक है चलो भाई, अब तो मैं सही वाले रूम में घुस चुका हूँ, लेकिन एक और टॉय यहाँ पर है। ये रहा। ओ वेट, ये तो मैं जिस साइड जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। भाई कुछ मत करियो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सीधे। मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा, मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। अब ये भाई बहुत ही ज़्यादा टूट फूट हो रही है इसके अंदर यार। एक गेट ओपन है इधर, ये किचन है शायद यहाँ की। बेड्स पड़े हुए हैं कुछ, लेकिन इधर कुछ नहीं कर सकता मैं। जाऊँ किधर से? ओ इसके पीछे बैटरी है। लाओ भाई बैटरी दो, मेरे को लगानी किधर है? अब लगाने का भी तो होगा ना। ये घर है यार, ये क्या है यार, इतनी भूल भुलैया भाई, हर जगह भूल रहा हूँ मैं इसके। अब भाई शायद किचन के अंदर ही कुछ हो सकता है, या तो इधर शायद एक वेंट है, ओपन हो जाए। भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करना पड़ता है, हर चीज़ देख के चलो यार। इधर दो रास्ते हैं, एक तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और एक इधर है, लेकिन ये बंद होगा भाई मेरे हिसाब से। मैं इस वाले रास्ते में जा चुका हूँ, पीछे रास्ता बंद है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब हम कहाँ पहुँचते हैं, या फिर मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। बाकी चलो कोई नहीं, यहाँ पर फिर से ये गेट ओपन हो गया है। इधर क्या लगा? फ्रेंड्स फॉर एवर। ओके ये मैं किसी रूम में तो आ चुका हूँ, शायद हग्गी बग्गी का रूम हो। नहीं ये हग्गी बग्गी का नहीं, एक और गेट यहाँ पर। चलो ये रहा भाई, एक और ये लगा दिया मैंने, अब एक और चाहिए। ओ शिट भाई, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, ये कहाँ लगाऊँ मैं? इधर तो नहीं है कहीं, ये रहा। ओके एक और गेट ओपन हो गया है, एक और इधर से लो। और यहाँ कहीं आसपास है भाई, एक और वेंट है ना यहाँ पर। ठीक है मैं यहाँ पर मैं चलता रहता हूँ, जहाँ रास्ता दिख रहा वहीं चलते रहो बस। मैं किचन के अंदर फिर से आ गया भाई, मैं अब एक और रास्ता था यहाँ पर, ये तो वही रास्ता है। मैं एक बार पावर ले लेता हूँ यहाँ से, शायद मेरे को पावर की ज़रूरत पड़ जाए। अब इस वाले रास्ते पे चलते हैं। ओके भाई बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। अब फिर से एक और गेट, मैंने इतना सब कुछ बढ़िया करा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपने को और कुछ मिल भी नहीं रहा, ये वही गेट है जहाँ से हम वेंट में से आ जाते हैं, और आगे कुछ है भी नहीं जहाँ पर मैं ये लगा सकूँ। ओके अब मैं ये किस रूम में आ गया हूँ भाई? यार यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, और सामने एक फार्मूला कार भी है, एक यहाँ पर है एक यहाँ। अच्छा ठीक है भाई मैं समझ गया, अब समझ गया मैं। पहले तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से पावर लेके मेरे को लगा देनी है इधर, इधर लगा देता हूँ। अब ये जलता रहेगा,
अब मेरे को क्या करना है, इधर से पावर लेनी है और लगा देनी है इधर। अब ये वाली पावर लेनी है मेरे को इधर से, वो चलता रहेगा क्या? इधर लगा देनी है, चलो ये वाली इधर लगाते हैं, वो चलता रहेगा। और बाकी मैं इधर वाली पावर हमें दोबारा लगा सकता हूँ। अबे भाई हो ना, ओके ओके ओके, वो जा रही है जा रही है जा रही है। चलो लास्ट टाइम पे हुआ। और ये क्या टपक आया नीचे से यार, भाई कैटनैप किया क्या है? कैटनैप भैया, ये ऐसा क्यों करते हो तुम, डरा देते हो बिल्कुल। ये चालू करते हैं और छोटी फॉर्मूला रेसिंग कार यहाँ पर ठुकने वाली है, देखते कहाँ जाकर ये ठुकती है। लेट्स गो, एक और रास्ता ओपन हो गया है। अब ये किसी, मैं भयंकर रूम में आ चुका हूँ, यहाँ पर आग लग चुकी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई यहाँ पर एक और टॉय ने फांसी लगा ली है। इधर भी रास्ता, इधर रास्ता है। चलो एक और गेट, लेकिन मुझे यहाँ पर मास्क लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मास्क लगा लेते हैं। अब चलो किसी एक ढंग के रूम में तो आए यार, यहाँ पर वेंट है एक और। चलो वेंट के अंदर, एक किधर, अच्छा ये रहा ना रास्ता। चलो अब मैं किसी और रूम में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक और टेलीफोन, भाई अब किसी का कॉल नहीं आएगा। ओली ओली कहाँ गई ओली ओली, भाई एक और बैटरी मिल गई। अच्छा भाई बैटरी मिल गई, बैटरी मिल गई, बैटरी मिल गई। अब मेरे को उसी रूम में जाना है। और ये लो भाई, कितनी पागलपंती करने के बाद हमें ये चीज़ करनी पड़ी। और यहाँ पर क्या एक और गेट ओपन हुआ है क्या? चलो यहाँ पर पावर तो आ गई है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से भाई। अब हमको शायद लौट कर जाना है। अच्छा यहीं पर ही गेट ओपन हो गया, यही वाला। अब पूरी लाइट आ गई है भाई, अब पूरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लाइट और यहाँ पर भी लाइट। यहाँ पर एक और रास्ता ओपन हो गया है, यहाँ पर मेरे को हैंड लगाना। भाई मैं घूम कर उधर ही आ गया, अब मेरे को फिर इधर चिंदी चोरी करनी पड़ेगी भाई। ये एक और हैंड है इधर। ओह ये मेरे को इस वाले तरफ लगानी है। अब ये लगा दिया मैंने, अब मैं इसको ई से शायद ऊपर कर सकता हूँ क्या? नहीं, ओके समझ गया समझ गया। अब मेरे को इसका एम इस पर करना था, ठीक है ये कर दिया। अब ये खुल गया भाई, ये तो बहुत इजी था। चलो यहाँ पर एक और, अब मेरे को इसका एम देखना पड़ेगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर है यार। लेकिन ये है किधर? इधर तो कुछ है भी नहीं, इधर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम इधर ऊपर आ जाएंगे। और मेरे को इधर कुछ है, चलो इसको उधर है एक, इसका एम करते हैं हम। ये इधर ही जाएगा, रुक जाओ मेरे को पहले ये ठीक करना पड़ेगा। ये इधर कर देते हैं, बाकी इस वाले को घुमाकर मैं उधर की साइड कर देता हूँ। इसको हटा दूँ क्या, बंद कर दूँ क्या इसको? चलो इसको बंद कर दिया मैंने। अब ये शटर नीचे आ जाएगा ना, तो वो डायरेक्ट इधर लग जाएगा। अब इसका एम मुझे करना है इसकी तरफ, ठीक है भाई एम हो गया। अब इसको ऑन करते हैं, क्या हुआ ये? लग तो गया है लेकिन, अच्छा मेरे को पहले इसको सॉल्व करना था। अब वो तो बटन दब रहा है, अब इसको और चालू कर देते हैं एक बार। भाई शटर क्यों बंद हो रहा है यार? अगर मैं इस वाले को, देखो मैंने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पर शटर ऊपर आ जाएगा। अब इस वाले को ऑन कर देता हूँ मैं, देखो इधर इधर से ऑन करूँगा इस वाले को बंद करके। देखना यहाँ पर मैं इसको बंद कर दूँगा ऐसे करके, तो ये शटर भी बंद हो जाएगा। अब मैं इस वाले को ऑन करूँगा तो ये, अब कुछ नहीं हो रहा, मेरे को दोनों साथ में करने हैं। लेकिन इधर कुछ है यार, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, बाकी इस वाले को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये लो इस वाले को स्टार्ट कर दिया है। अब इस वाले को इधर से खींच लेता हूँ, ठीक है। अब इसको भी इधर से चालू कर देता हूँ। माइंड देखो यार मेरा, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ यार। अब यहाँ से जल्दी से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, शायद वो शटर फिर से बंद हो जाए। ये शटर बंद हो चुका है
और हमने काफी ज्यादा मिस्ट्री सॉल्व करके यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि हम इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक देखने में मजा आया होगा। तो इसी बात पर भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।